नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। गर्मी से राहत पाने के लिए आज हम ठंडा ठंडा नींबू पुदीना शरबत बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए नींबू पुदीना शरबत बनाना शुरू करते हैं। नींबू पुदीना शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम पुदीना के पत्तों को पीसेंगे। ये पत्ते हम जार में डाल देते हैं और हमने एक कप ऊपर तक भरे हुए पुदीना के पत्ते लिए हैं। पुदीना के पत्ते तोड़े, अच्छे तरीके से पानी में धोए और छलनी में रखकर पानी सूखने तक उन्हें सुखा लिया। अब हम इनमें चीनी डालेंगे। 4 टेबल स्पून हमने चीनी ली है। चीनी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और 1 नींबू लिया है, इसका हम रस निचोड़ कर डालेंगे। 1/2 कप पानी डाल देंगे और पुदीना के पत्तों को एकदम बारीक होने तक पीसेंगे। पुदीना को हमने एकदम बारीक होने तक पीस लिया है। अब हम इसे छान लेंगे। हमने शरबत छान लिया, इसमें कुछ निकला नहीं है क्योंकि हमने पुदीना अच्छा बारीक पीस लिया था। सबसे पहले हम ग्लास में आइस क्यूब्स डाल देंगे। तो जितना ठंडा हमें शरबत पीना है उसके हिसाब से हम आइस क्यूब्स ले सकते हैं। और अब हम शरबत डालेंगे, तो 1/2 शरबत ले लेते हैं। अब हम ग्लासेस में पानी डाल देते हैं। पानी की जगह सोडा वाटर भी लिया जा सकता है। अब हम इसमें गार्निश करने के लिए नींबू की स्लाइसेस और थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देते हैं। नींबू पुदीने का ठंडा ठंडा शरबत पीने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छा शरबत बना है। ये शरबत ठंडक और ताजगी देने के साथ साथ डाइजेशन को भी सही करता है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो आप इसे बनाइए, पीजिए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।